मध्य प्रदेश विधानसभा में आज व्यापम घोटाले को लेकर हुए जबरदस्त हंगामे के बाद विपक्ष के नेता सत्यदेव कटारे अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। बीजेपी विधायकों पर मारपीट का आरोप लगाया है कांग्रेस ने। ब्रिजेश राजपूत एबीपी न्यूज संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, क्या हुआ था विधानसभा में? दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा का आज दूसरा दिन था और पर शुरुआत से ही कांग्रेसी विधायक बहुत उत्तेजित थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए थे और बार बार इस बात की मांग कर रहे थे कि यहां बहस होना चाहिए व्यापम पर। मगर वहां पर तो प्रोसीडिंग पूरी होती रही शोर शराबे हंगामे के बीच और आज 12 बजे के बाद सदन दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। मगर जैसे ही सदन स्थगित हुआ उसके बाद बीजेपी के और कांग्रेस के विधायक परिसर में आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की, एक दूसरे का हाथ खींचा और इस बीच में जो नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे उनको चोट लग गई है और वो वहां से आने के बाद अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और अस्पताल में उन्होंने बयान दिया है कि मुझे बीजेपी विधायकों ने घूंसे मारे हैं जिसके चलते उनकी पसलियों में चोट आई है। फिलहाल जो डॉक्टर है उनका एग्जामिनेशन कर रहे हैं और देखते हैं कि इनको कितनी चोट कितनी गंभीर है। मगर निश्चित ही ये घटना जिस तरीके से मोड़ ले रही है उससे हर लोग बहुत दुखी हैं और उन्होंने कटारे ने ये भी कहा है कि ये बहुत दुखद है। मध्य प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधायकों में एक दूसरे पे घूंसे चले हों, मगर जो कुछ हुआ है वो बहुत दुखद है और उसको कांग्रेस अब बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। जी, व्यापम को लेकर हंगामा चल रहा था। सत्यदेव कटारे विपक्ष के नेता है, उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी विधायकों ने घूंसे मारे। अभी अस्पताल में जांच चल रही है कि आखिर तबीयत कैसी है उनकी।